जो कॉस्ट है मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हर चीज के प्राइजेस बढ़े हैं मेरा भाई, हर चीज के प्राइजेस बढ़े हैं, मगर जो प्राइजेस नहीं बढ़े ना वो मेरी के हैं। सबसे बढ़िया मॉल है IFC मॉल। IFC मॉल में हांगकांग का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है, सबसे बड़ा एप्पल स्टोर। मैंने उस एप्पल स्टोर से बहुत सारे, बहुत भारी मतलब आईफोन जो है वो बाय करे हैं IFC मॉल से। बहुत अच्छी मतलब मैं कहूँगा सर। हाँ जी यार, तो मैकडोनल्ड से तो सामने में हुआ यार। जब भी आप आओ ना इधर शाम को, सॉरी यार, आइसक्रीम खाई ना गले में लग गई। इधर शाम को बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ के चीज़ें लगती हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? अब हम लोग जा रहे हैं फेरी में। इधर फेरी की अंदर जाती है, वो हमारे को समुंदर के उस पार लेके जाती है। मोरओवर जो उसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट $2.50 पर एडल्ट। तो ये आप देख लेना। और एक छोटा सा स्मार्ट वर्क ही हम कह सकते हैं कि जो भाई एडल्ट की ना लेके चाइल्ड की भी लेगा ना, उन्होंने देखना नहीं है। अगर आप एडल्ट की भी चाइल्ड की भी लेके डाल दोगे वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, बट नहीं, हम लोग एडल्ट की लेंगे, है ना। ये एक थोड़ी हंसी मजाक और मस्ती मस्ती होती है ना। बाकी अब हम चलते हैं आगे की तरफ, शेरी की तरफ भाई। सोच ये जा रही है फेरी टू सेंट्रल। लोअर डेक्स एंट्री, लोअर डेक्स एंट्री का मतलब होता है एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लोअर डेक्स एंट्री होती है, दो फेरी होती हैं। अगर आप नीचे की तरफ बैठोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, अगर आप अपर डेक्स में बैठोगे तो आपको $1.5 एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब आपको मैं बताता हूँ ये कैसे बाय करना है। रियली भाई इतनी महंगाई हो गई है, $10 हो गया पर पर्सन, 10 जाना 10 आना। मतलब आप हांगकांग की महंगाई देखो, आप यही चीज की टिकट मैं $2 की लेता था भाई, आज वो चीज $10 की हो गई। हाँ जी, तो यार अभी तक निकालने लगे हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो है $2, ऊपर लिखा हुआ है $2.06। तो अब हम $5 डालते हैं इसके अंदर, कि अपन ने डाला ऐसे, उसने वापस कर दिए। हमने चूज करना है वन, ओके $2.60 उसने हमारे को बता दिया, हमने डॉलर डाला। बाकी के डॉलर्स भी हमारे को दे दिए और एक हमारे को टिकट भी दे दी। तो इसकी जो कॉस्ट पड़ी है पर पर्सन वो पड़ी है $2.60, ठीक है जी। चाइल्ड की है 1.8। तो बहुत इजी प्रोसेस है वो करने का, लेने का टिकट। मुझे लगा कि ये $10 वो है, पर उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप अपना चेंज कराना चाहते हो, सिक्के देने होते हैं, अगर आप वो करना चाहते हो $10 अगर आपके पास है, आपके पास चेंज नहीं है तो आप मशीन में डालो $10 या $20 या $50, हम आपको चेंज कर देंगे। तो इजी प्रोसेस है। अब हम यहाँ से एंटर लेते हैं, ये हमने टोकन डाला इधर, ये वो ग्रीन सिग्नल हो गया, अपनी हो गई एंट्री। ये कुछ चेंज बचे हुए हैं, विल यूज़ जब हम रिटर्न आएंगे। बाकी इधर का व्यू बहुत अच्छा है यार। दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो है भाई, इंग्लिश कंट्री है ना, इंग्लिश कंट्री में वी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम जैसे वियतनाम है, वियतनाम में मैं मानता हूँ वियतनाम क्यों इतना ग्रो नहीं करा है कंपेयर टू थाईलैंड, हर चीज़ की फैसिलिटी वियतनाम में भी है जो थाईलैंड में है। थाईलैंड क्यों नंबर वन है वर्ल्ड में ट्रैवल में, सबसे ज़्यादा ट्रैवलर क्यों थाईलैंड में आते हैं, उसका रीज़न मेरे वीर एक ही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न जो है वो ये है कि एक तो थाईलैंड के पास बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, आइलैंड्स हैं, दूसरा वो लोगों ने अपनी लैंग्वेज को तो प्रेफरेंस दी ही दिया है मगर उन्होंने इंग्लिश को भी प्रेफरेंस दिया है। क्यों? कि वर्ल्ड का कोई भी बंदा हमारी कंट्री में अगर आता है
तो उनको लैंग्वेज बैरियर इश्यूज ना आए। इसी रीज़न से लोग थाईलैंड घूमने ज़्यादा जाते हैं कंपेयर टू वियतनाम। वियतनाम से सस्ता मुझे लगता है थाईलैंड है, खाने पीने के मामले में, रहने के मामले में। वियतनाम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना। अब हमारे को जो मिला है वो मिला है 800 रुपीज़ पर डे, तो ठीक है, ओवरऑल सब कुछ गुड है मेरे भाई। और ये फेरी की एंट्री हो रही है, चले जाते हैं टाइम से, तो ठीक है। अगर फेरी चली गई तो 2 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी। आई थिंक गेट बंद हो गए, कोई नहीं, हम वेट करेंगे यार, है ना, वीडियोस बनाएंगे, वेट करेंगे। गेट बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है गेट बंद हो गया। मैं जाना भी नहीं चाहता था इस फेरी में, क्योंकि आप देखो व्यू मेरा बंद क्या हो रहा है। ये देखो ये फेरी जा रही है ना, इस फेरी में हमने जाना है, बस ये जाएगी 2 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी। एशिया वर्ल्ड सिटी, ये बात सच है। एशिया की वर्ल्ड सिटी क्यों क्या कहा जाता है इसको, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें ही हमने जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेरी को एशिया वर्ल्ड सिटी क्यों कहा जाता है। उसका रीजन मेरे भाई ये है कि हांगकांग में, हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज है कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से कोई भी फ्लाइट जाती है, पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से कोई भी फ्लाइट जाती है, चाहे वो अमेरिका से जा रही हो, चाहे वो जर्मन जा रही हो, चाहे वो इंडिया से आ रही हो, साउथ कोरिया जा रही हो, मैक्सिमम जो ट्रांजिट होते हैं ना वो हांगकांग के अंदर होते हैं। हांगकांग हर किसी एयरलाइंस को लैंड करने की परमिशन देता है विद वेरी लो एयरपोर्ट चार्जेस, जो लैंडिंग चार्जेस फ्लाइट को देने पड़ते हैं। हांगकांग इसलिए वर्ल्ड की एशिया वर्ल्ड सिटी बन चुका है क्योंकि वो उसको बहुत कम चार्जेस देने पड़ते हैं एयरलाइंस वालों को। मोर ओवर एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, दुबई टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है जी, किसी किसी चीज़ों पर वो टैक्स लगाता है, ऑल्दो दुबई कंप्लीट टैक्स फ्री कंट्री है। आपको पता है दूसरे नंबर पे हांगकांग टैक्स फ्री कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इधर कोई टैक्स नहीं लगता अगर आप बिजनेस करते हो। दूसरी चीज़ गोल्ड की बात करें, 7,000 रुपये तोला, अब 7,000 रुपये तोला गोल्ड दुबई में सस्ता है इंडिया से, हांगकांग में 8,000 रुपये सस्ता है, हांगकांग में और 1,000 रुपये सस्ता पड़ता है गोल्ड। ये देखो जो अपनी फेरी आई है वो उससे भी बड़ी आई है। अब हमने जाना है इसमें, इस साइड में लग रही है, अभी ये यहाँ से खुल जाएगा गेट। हम बैठेंगे आगे चल के, यहाँ से वो लोग खाली हो रहे हैं और यहाँ से हम लोग चले। हम लोग जो बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे एकदम आगे। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और फेरी के जो कॉस्ट है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़े हैं मेरा भाई, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़े हैं, मगर जो प्राइजेस नहीं बढ़े ना वो फेरी के हैं। फेरी के प्राइजेस मेरे भाई नहीं बढ़े, उसके आज भी $2.60 ही हैं, तो ये बात बहुत अच्छी है। मैं आपको आगे का थोड़ा डाउन टाउन दिखा देता हूँ। समुंदर की लहरें देखो यार कितनी तेज है। बहुत प्यारा
व्यू आ रहा है यार। अभी वो जो है ना हांगकांग आई बोलते हैं उसको, जो गोल जो है वही उस पर जूटे वहाँ चलेंगे, मतलब हांगकांग आई में भी देखेंगे, बस क्राउड ज़्यादा ना हो यार, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है जब जब हांगकांग आई जाने का मेरा मन है ना, बहुत क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बट कोई नहीं, अपन जाएंगे और वो भी दिखाएंगे अपने सारे भाइयों को। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता यार, $20-30 ही होगा। पानी की लहरें देखो कितनी तेज है यार, पानी तो साफ है। तीन रो बने हुए देखो, अपर मिडल और सबसे ऊपर, इतने बड़े बड़े क्रूज भी यहाँ पे आते हैं, ये तीन क्रूज भी खड़े हो जाते हैं। जॉब है भाई, इधर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग बहुत अच्छी निभाते हैं। इसको लगेगा कि जब ये स्टेबल हो गई है बोट तो बस ये ओपन कर देगा। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है ना, बोट हिली जा रही है बहुत। लो जी हो गया ऊपर, लो जी ऊपर का भी ओपन हो गया। मुझे अब हम आए हैं हांगकांग के डाउनटाउन, इधर सबसे बढ़िया मॉल है आईएफसी मॉल। आईएफसी मॉल में हांगकांग का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है, सबसे बड़ा एप्पल स्टोर। मैंने उस एप्पल स्टोर से बहुत सारे, बहुत भारी मतलब आईफोन जो है वो बाय करें आईएफसी मॉल से, और बहुत अच्छी मतलब मैं कहूँगा सर्विसेज है। इफ़ वी आर होल्डिंग अ ओल्ड फ़ोन ना, तो वो ओल्ड फ़ोन भी आपसे ले लेंगे और नया फ़ोन की जो सर्विसेज है ना वो आपको दे देंगे। सपोज़ कोई सा भी आप ओल्ड आईफोन लेके आ रहे हो ना, तो वो आपसे वापस ले लेंगे और उसके बदले आप जो सा मर्जी ले सकते हो। यही चीज़ इंडिया में कंपैरिजन करोगे ना, इतनी ज़ीरो वैल्यू डाल देंगे वो कि बंदा क्या ही दे और क्या ही दे। सबसे पहले चलते हैं लंदन आए नहीं हांगकांग आए। वो लंदन आए अपने को इसलिए याद है क्योंकि मेरी मदर जब फादर जब लंदन गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी कि देख हम लंदन आए हुए हैं। तो हर जगह का ये झूले को आई बोला जाता है लास्ट में और उस कंट्री का नाम आगे लगा दिया जाता है, तो ये है हांगकांग आए।
अभी चलते हैं।